हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से आज हम लोग जो औषधीय वनस्पति की पहचान कर रहे हैं वो है गलफुलवा, है ना। गलफुलवा बहुत ही दिव्य औषधि है, जैसे वीडियो के माध्यम से मैं दिखा दे रहा हूँ कि एक जंगली वनस्पति है। इसको गलफुलवा क्यों बोलते हैं, इसके इस प्रकार से जो है इसके फूले होने की वजह से गलफुलवा बोलते हैं। और इसका जो इसमें जो पराग जैसे जो बीज दिखा रहा हूँ, इसमें इसके बीज रहते हैं मित्रों, है ना। और इसके जो बीज लगने की प्रक्रिया है, चाहे कुदरती पहचान जो है उसका, ये गलफुला की तरह की वजह से होती है, तो इसलिए इसका नाम गलफुला लोग रख देते हैं, ठीक है। औषधि इसका नाम भी लोग गलफुला के नाम से जानते हैं, इसके औषधि क्षेत्र में, ठीक है। अब मैं इसका चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी बता दे रहा हूँ। इसका उपयोगी भाग जो है जड़ और पत्तियाँ हैं, एक पहचान के लिए इसको बता दे रहा हूँ कि भाई ये गलफुलवा, इस प्रकार से उसकी पहचान की जाती है कि गलफुलवा का पौधा है, ठीक है। अब इसके पत्तियाँ देख लीजिएगा, इस प्रकार से इसके नोकदार पत्तियाँ रहेंगी, है ना। और इसका जो जड़ वाले भाग रहेंगे, ऐसे मूल भाग, उस भाग का भी लोग औषधि प्रयोग करते हैं मित्रों, है ना। और सर जी कि इसका औषधि प्रयोग किन किन बीमारियों में करते हैं, तो सबसे बड़ा चीज़ बता दे रहा हूँ कि हड्डी जिनका टूटता है, या हड्डी टूट जाने के बाद जब इसका औषधि प्रयोग करते हैं, तो ये हड्डी टूटने के टूटा हुआ जो है उसको जोड़ता है, या फिर जख्म को जो एक्सीडेंटल चाहे किसी प्रकार से चोट मवाद ऐसे घावों में इसका रामबाण प्रयोग करते हैं मित्रों, है ना। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। मेरा वीडियो छोटा है, इस वजह से छोटा छोटा खाली मैं डायरेक्टरी अपने डॉक्यूमेंट्री खाली बना कर रख दे रहा हूँ। बाकी अगर किसी को और उन औषधि से जुड़े हुए बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं मित्रों। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ। धन्यवाद।